साथियों, इस सरकार के लिए करप्शन फ्री, सिटीजन सेंट्रिक और डेवलपमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नीतियों पर आधारित, तकनीक पर आधारित, पारदर्शिता पर आधारित एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें गड़बड़ी होने की, लीकेजेस की कम से कम गुंजाइश हो। अगर मैं जनधन योजना की ही बात करूं तो ये गरीबों की जिंदगी में ऐसा बदलाव लाई है जो पहले शायद ही कोई सोच सकता था। जिस गरीब को पहले बैंक के दरवाजे से धुतकार कर भगा दिया जाता था, उसके पास आज उसका अपना बैंक अकाउंट है। जिनके जनधन अकाउंट खुल रहे हैं उन्हें रुपे डेबिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। 125 करोड़ लोगों के हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। उस गरीब के आत्मविश्वास के बारे में सोचिए जो वो बैंक में जाकर के पैसे जमा कराता है, जो वो रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। ये आत्मविश्वास, ये हौसला अब परमानेंट है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही उज्ज्वला योजना है। गांव में रहने वाली 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी इस योजना ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी है। उन्हें सिर्फ मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला, उन्हें सुरक्षा मिली है, उन्हें सेहत मिली है, उन्हें परिवार के लिए समय मिला है। ऐसी करोड़ों महिलाओं की जिंदगी में आए बदलाव के बारे में भी सोचिए, जो बदलाव स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आया है। सरकार ने सिर्फ शौचालय नहीं बनाए, बल्कि उनकी करोड़ों महिलाओं को, बेटियों को उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है जिसे सूरज ढलने का, शाम होने के इंतजार में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। कुछ लोग थोड़ी सी गंदगी की फोटो खींचकर बहस करते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे, टीवी पर दिखाते भी रहेंगे, लेकिन लोगों को पता है कि इस अभियान ने जमीन पर किस तरह का इरिवर्सिबल बदलाव ला दिया है।